उसके लिए नेत्र सुरक्षा क्रिया। कमर गर्दन सीधी करके बैठिए, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें, चश्मा उतार दें। निर्देश को ध्यान से सुनिए। नेत्र सुरक्षा क्रिया, आंखें खोलें, दृष्टि को ऊपर यानी अपनी पुतलियों को ऊपर से ऊपर ले जाएं, हो दिखाई दे कोशिश करें, दृष्टि नीचे लाएं, नोज टिप्स को देखें। अब यहीं से ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दो बार और कर लें। ध्यान करें गर्दन नहीं हिलेगी, आई बॉल्स की मूवमेंट होगी, यानी आंखों की पुतलियां ऊपर जाएंगी और नीचे जाएंगी। ऐसा करने से ऑप्टिक नर्व्स होती हैं इसमें, वहां पर प्रभाव आता है, वहां ब्लड का सर्कुलेशन ठीक होता है, जिससे हमारी आंखों की रोशनी बनी रहती है। आंखें कोमलता से बंद, फिर से आंखें खोलें, दोनों पुतलियों को धीरे धीरे दाईं तरफ ले जाएं, दायां कान यानी स्वयं का दायां कान दिखाई दे, ऐसी कोशिश करें। पुतलियां सामने लाते हुए धीरे धीरे बाईं ओर ले जाएं, स्वयं का बायां कान दिखाई दे प्रयास करें। अब यहीं पर बाएं से दाएं और दाएं से बाएं, इसी क्रिया को दो तीन बार और कर लें। दृष्टि सामने रखेंगे, नीचे भी नहीं, गर्दन दाएं बाएं नहीं जाएगी, केवल आंखों की पुतलियों को दाएं और बाएं ले जाना है। आंखें कोमलता से बंद, फिर से आंखें खोलें और पुतलियों को ऊपर ले जाएं भ्रूमध्य में, और यहीं से दोनों पुतलियों को दाएं से बाएं बड़े से बड़े गोलाकार मार्ग पर घुमाते जाएं। ध्यान करें गर्दन नहीं हिलेगी, ऊपर जाएं तो दाईं तरफ दायां आकाश देखें, नीचे आएं तो बायां घुटना देखें, फिर दायां घुटना और दायां आकाश, चार बिंदु बना लीजिए, उनको मिलाते हुए बड़े से बड़े गोलाकार मार्ग पर दोनों पुतलियों को घुमाएं। आंखें कोमलता से बंद, फिर से आंखें खोलें, पुतलियों को ऊपर ले जाएं और पहले के रिवर्स विपरीत दिशा में दोनों पुतलियों को बाएं से दाएं बड़े से बड़े गोलाकार मार्ग पर धीरे धीरे घुमाएं। आंखें कोमलता से बंद, पामिंग, दोनों हाथों का कप बनाइए और इस तरह से कप बनाकर आंखों को ढकें। तभी देख लें कि नाक का जो बांस है ये नहीं दबे, बाहर की रोशनी अंदर न जाने पाए। अब यहां पर आप ब्लिंकिंग करें, आंख खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, और बीच बीच में कसकर टाइट कर थोड़ा सा रोककर फिर से करें क्रिया। अब यही आंखें खोलकर अंधकार के दर्शन करिए, हमारी नींद की ज्योति बरकरार बनी रहती है डेली इसका अभ्यास करने पर। कोमलता से हाथ आंखों को सहलाते हुए हाथ नीचे ले आए। आपसे मेरी प्रार्थना कि आंखें बंद रखेंगे। हमारा एक बैनर है और बैनर पर लिखा होता है योग साधना केंद्र। आप देखेंगे कि जहां भी हमारे केंद्र चलते हैं वहां बैनर हम लगाते हैं, जो हमें एक प्रेरणा देता है।
और उस पर लिखा है योग साधना केंद्र। तो मैं थोड़ा सा ये जरूर आपको बता दूं कि योग व्यायाम नहीं, जीवन जीने की कला है, एक साधना है। और इस साधना का मतलब केवल आसन और प्राणायाम की क्रिया तक सीमित नहीं है। यानी अभी मैं बात कर रहा था कि आसन, प्राणायाम और ध्यान के द्वारा अपने मन को साध लें, विचारों को साधना। जीवन में कितनी भी सुख और दुख की घड़ियां आए, उनमें हम सम रहना सीख जाएं, ऐसी हमारी मन स्थिति बन जाए, उसे साधना कहा जाता है। और ये योग मार्ग से चलने पर ही संभव है।